हेलो क्लास, आई एम रेनू फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर रनिंग चैप्टर द फैमिली. ओके, अभी जो आपका चैप्टर EBS में चल रहा है द फैमिली, उसका एक पार्ट हम लोगों ने देखा और जाना कि व्हाट इज द मीन ऑफ फैमिली. फैमिली मीन्स होता क्या है एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैमिली. ओके, सो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या जाना था, फैमिली मींस वो हाउस जहाँ पे लोग रहते हैं, अपने मदर फादर ग्रैंडफादर के साथ रहते हैं, सेम हाउस में रहते हैं, वी आर कॉल्ड ए फैमिली. ओके, सो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैमिली डियर किड्स? यस, टू टाइप्स ऑफ फैमिली, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली. यस, स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली ओके एंड बिग फैमिली. बिग स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैमिली डियर स्टूडेंट? टू टाइप्स ऑफ फैमिली, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली. स्मॉल फैमिली मीन्स जहाँ पे आपके मदर फादर डॉटर एंड सन ओनली 3 and 4 मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्मॉल फैमिली. और ये तो बहुत ईजी है, आपने देखा भी होगा, आप फैमिली में रहते हो. कहाँ रहते हो आप? फैमिली में रहते हो. और ये जो आपकी स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो बिकॉज आप फैमिली में रहते हो. और कुछ बच्चे जैसे किसके साथ रहते हैं? मम्मी पापा के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. और उनके घर में, उनके हाउस में कितने लोग रहते हैं? ओनली 3 and 4 मेंबर. तो दिस टाइप ऑफ फैमिली कॉल्ड इज स्मॉल फैमिली. तो ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली कहते हैं. एंड सेकेंड जो है आपकी बिग फैमिली या ज्वाइंट फैमिली जिसको बोलते हैं. अब ये भी देखा होगा आप लोगों ने, कुछ बच्चे जो हैं वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं. मींस उनके फादर मदर, मतलब उनके पेरेंट्स के साथ उनके ग्रैंडपा ग्रैंडमा अंकल आंटी एंड उनके जो कज़िन ब्रदर सिस्टर्स होते हैं वो भी रहते हैं. तो इस तरीके की फैमिली में तो आप रहते हो. तो ये आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि स्मॉल फैमिली कैसी होती है और बिग फैमिली कैसी होती है. किसे हम स्मॉल फैमिली बोलते हैं और किसे हम बिग फैमिली बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, तो टू टाइप्स ऑफ फैमिली, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली, या न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली भी बोलते हैं इसको. ओके स्टूडेंट, तो इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करते हैं. ओके, तो फैमिली मेंबर्स मैंने बताया कि मदर फादर ग्रैंडफादर सिस्टर ब्रदर डॉटर सन, ये सब फैमिली में होते हैं. हाउस में रहते हो आप समझते होगे फैमिली किसको कहते हैं? परिवार को कहते हैं. जो एक परिवार होता है जिसमें सारे लोग रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, माता पिता रहते हैं, उनको हम फैमिली बोलते हैं. ओके, सो इससे रिलेटेड जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है मैच द फॉलोइंग. ओके, मैच द फॉलोइंग. सो यहाँ पे कुछ क्या करते हैं, हम मेंबर्स के नेम राइट करेंगे लाइक मदर फादर ब्रदर ग्रैंडमा ग्रैंडपा. ओके, सो आपको फर्स्टली करना क्या है, स्पेलिंग लर्न करनी होगी आपको. अगर आपको स्पेलिंग पता होगी मदर की, फादर की, ब्रदर सिस्टर की, सो आप इसको एक्सरसाइज को कर पाओगे. ओके, तो चलिए, ये तो आपका क्लास वर्क होता है, मतलब आप ये फैमिली चैप्टर पढ़ रहे हो और ये मैं करके बताऊंगी कि कैसे मैच करना है. ओके, और आपका जो होमवर्क होगा वो कुछ और होगा, बट पहले हम क्लास वर्क देख लेते हैं. ओके, जो आज का आपका क्लास वर्क होगा वो ये होगा मैच द फॉलोइंग. ओके, सो स्पेलिंग फर्स्टली हमने राइट की मदर MOTHER मदर. ओके, मदर MOTHER. ओके, एंड नेक्स्ट फादर मदर नंबर टू
नंबर 3, 4, 5, 6 ओके मदर फादर एफ ए टी एच ई आर फादर मदर फादर एंड ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर एंड सिस्टर सिस्टर ओके मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड अंकल आंट ओके एंड नेक्स्ट साइड भी इन्हीं रिलेटिव्स को ये जो आप नेम है इनको हम राइट करते हैं देन आफ्टर मैच इट ओके फादर ए टी एच ई आर फादर मदर मदर सिस्टर सिस्टर ओके ब्रदर ब्रदर आंट aunt and uncle aunt and uncle okay अब इसमें करना क्या है मैच करना है मदर मैच टू मदर फादर मैच टू फादर ब्रदर मैच टू ब्रदर ब्रदर को ब्रदर के साथ जहाँ पे ब्रदर की स्पेलिंग राइट स्पेलिंग इस साइड में होगी उसको उससे मैच करेंगे सिस्टर को सिस्टर से अंकल को अंकल से एंड आंट को आंट से ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपने अपनी बुक निकाली है या नहीं बुक और कॉपी दोनों आप अपनी टेक आउट करोगे ईवीएस की या आपकी ईवीएस की क्लास चल रही है तो ईवीएस की क्लास में अगर आपके पास बुक है अवेलेबल है तो आप निकालेंगे अगर नहीं परचेज की है तो कोई बात नहीं है ईवीएस की कॉपी में आप ये वर्क करोगे ओके सो अगर आपने नहीं निकाला अभी तक तो अपनी ईवीएस की कॉपी निकालिए और उसमें ये जो आपका क्लास वर्क है आज जो आप पढ़ रहे हो द फैमिली में इसे राइट करो ये आपका क्लास वर्क है ये मैं करके दिखाऊंगी बट आपको होमवर्क जो मैं दूंगी वो मैं नहीं करूंगी वो आपको घर पे करना होगा ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं मदर मैच टू मदर मदर को हमने मैच किया किसके साथ मदर के साथ ओके और स्पेलिंग भी आप ध्यान दोगे स्पेलिंग पर भी फोकस करोगे मदर की स्पेलिंग एम ओ टी एच ई आर बिकॉज आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में या टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि मदर की स्पेलिंग बताइए फादर की स्पेलिंग क्या होती है ओके तो राइट करने के साथ साथ आप इसको लर्न भी करिएगा मदर क्योंकि जनरल ये सब तो जनरली इनकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए ओके तो आप स्पेलिंग भी इसकी लर्न करोगे मदर मैच फादर को फादर के साथ मैच करोगे स्पेलिंग एफ ए टी एच ई आर फादर ओके ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर मैच टू ब्रदर को ब्रदर के साथ मैच किया ओके एंड सिस्टर एस आई एस टी ई आर तो सिस्टर को मैच टू सिस्टर्स के साथ सिस्टर के साथ मैच किया ओके अंकल अंकल मैच टू अंकल अंकल को अंकल के साथ मैच कर दिया आंट को आंट के साथ मैच कर दिया ओके तो ये आपका क्या हो गया देखिए आपका कंप्लीट हो गया ओके
क्या था आपका? मैच द फॉलोइंग या मैच इट. ओके, तो ये आपका क्या था स्टूडेंट? ये आपका क्लास वर्क था. आज आपने पढ़ा फैमिली, द फैमिली चैप्टर का आपका ये सेकंड वीडियो होगा. फर्स्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा और सेकंड वीडियो में आप जो ये एक्सरसाइज है ये आपका क्लास वर्क है. जैसे आप क्लास में स्टडी करते हो ठीक वैसे ही आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो वैसे ही स्टडी करोगे. सारी चीज़ें आप ऐसे ही प्रिपेयर करोगे. अपनी कॉपी वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और चैप्टर वाइज उसमें सब कुछ राइट होना चाहिए. आप ये मत सोचिएगा कि ये तो ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि जब आपका स्कूल ओपन होगा तो मैम आपका ये चेक करेगी. ओके, तो आप इसको सीरियसली, इसको ईवीएस की कॉपी में, फेयर कॉपी में राइट करोगे. कोई रफली वर्क नहीं होगा. ओके, ये आपका क्लास वर्क. एंड टूडेज होमवर्क इज, आपका जो आज का होमवर्क है वो ये होगा. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, आपका होमवर्क है फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the blanks. Okay. ये आपका होमवर्क होगा. यहां पे कुछ मिसिंग होगा, कुछ स्पेलिंग मिसिंग होगी, वो आपको फिल करनी होगी. और स्पेलिंग क्या होगी? जैसे मदर, फादर, ब्रदर, इन्हीं की स्पेलिंग जो है आपको यहाँ पे फिल करनी होगी. ओके, और कुछ जैसे फैमिली मेंबर्स के नेम हैं मैं यहाँ राइट करूंगी और आपको उसकी स्पेलिंग फिल करना होगा. ओके, ए फिर ब्लैंक टी. ये जो मिसिंग है, ये जो स्पेलिंग मिसिंग है, यही आपको फिल करनी है. ए फिर आपका ये ब्लैंक ब्लैंक है, यहां आपको फिल करना है. राइट स्पेलिंग आपको यहां फिल करनी है. ओके, यहां पे आपको राइट स्पेलिंग फिल करनी है. एंड नेक्स्ट ओके, ए आर. ओके, यहाँ पे भी आपकी दो स्पेलिंग देखिए ये मिसिंग है, ये आपको फिल करना है. ओके, एंड थर्ड यहाँ पे स्पेलिंग आपको फिल करनी है बी आर ओ, फिर आपका है ब्लैंक ब्लैंक. ओके, बी आर ओ, फिर आपकी ये ब्लैंक है और आर है. तो ये स्पेलिंग आपकी कौन सी है, राइट स्पेलिंग इसकी क्या है, आप स्पेलिंग फिल करोगे तब आपको ये पता चलेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स. ये जो खाली स्थान है इनको फिल करना है. ओके, एंड फोर ओके, यहां पे देखिए यू, फिर आपका ये दो ब्लैंक है और ये आपको कंप्लीट करना है स्पेलिंग. ओके, एंड नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, टुडेज होमवर्क इज फिल इन द ब्लैंक्स. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या जो खाली स्थान है उनको भरिए. इसमें कुछ क्या है, नेम है मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, ओके, आंट, जो भी हैं, आपको उसकी स्पेलिंग क्या करनी है, कुछ मिसिंग है तो वो आपको फिल करके कंप्लीट करना है. ओके, आंट, मदर,
ब्रदर, अंकल एंड सिस्टर. मैं आपको बता दे रही हूँ, बट आप चीटिंग नहीं करोगे बिकॉज आपका बोर्ड पर इधर भी राइट है. तो आप ये नहीं कि आप इसको देख करके उसे फिल कर दीजिए. ये आपका क्लास वर्क है, ये आप एक पेज पे करना और नेक्स्ट पेज पर आप इसे करोगे. ओके, विदाउट चीटिंग, बिना किसी चीटिंग के, बिना देखे आप स्पेलिंग लर्न करके तब इसे फिल कीजिएगा. ओके स्टूडेंट, थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे.